हेलो गाइस, नौकरी ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम एमपी में बहुत सारी जो जॉब आती हैं जो कि आपको डायरेक्टली पता नहीं पड़ पाता, उस प्रकार की जो आपको के नोटिफिकेशन लाते हैं जिनके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फॉर्म रहते हैं। गाइस, हम इसमें लेके आ रहे हैं आपके लिए एमपी एपेक्स बैंक जॉब नोटिफिकेशन 2022, यानी कि आपकी बैंक है एपेक्स बैंक, उसमें आपकी वैकेंसी निकली है उसका नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसमें मैं बता दूँ पोस्ट कौन कौन सी निकली है। चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, मैनेजर, नोडल ऑफिसर, तीन पोस्ट निकली हैं, चीफ एजुकेटेड ऑफिसर, मैनेजर और नोडल ऑफिसर। ओके, साथ में कितनी टोटल वैकेंसी आपकी 93 है। गाइस, सभी के बारे में आपको अभी डिटेल में मैं आपको बताता जाऊंगा। टोटल 93 वैकेंसी है। साथ में आप देखें इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, यदि आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, CA है आपके पास, डिप्लोमा है, MBA है, PGDCA है, MCA, PGD, BMA है, तो आप इसमें अप्लाई जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें अब पोस्ट देखें, चीफ एजुकेटेड ऑफिसर की जो पोस्ट है जो कि आपकी टोटल 13 पोस्ट हैं, मैनेजर की पोस्ट है जो कि आपकी टोटल 34 यानी 34 पोस्ट हैं आपकी हैं, और मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव की जो पोस्ट है वो 34 पोस्ट हैं, और नोडल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी 12 यानी 12 पोस्ट हैं आपकी हैं। ओके गाइस, इसमें आप देखें आप जो क्वालिफिकेशन है वो देखें, चीफ एजुकेटर ऑफिसर जो है जनरल मैनेजर के नाम से पोस्ट निकली है चीफ एजुकेटर ऑफिसर की, उसमें क्वालिफिकेशन की एक बहुत बड़ी लिस्ट दी है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। इसमें क्या है, ग्रेजुएशन विद CAIIB या DBF या डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट और इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन और चार्टर्ड या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, द पर्सन शैल हैव एट लीस्ट 8 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एट द मिडल और सीनियर लेवल इन द बैंकिंग सेक्टर, यानी आपको 8 साल का आपका कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मिडिल लेवल फॉर द पर्पज सेल बी टेकन एज द थर्ड लेवल ऑनर्ड इन द और एज द हाइएस्ट 2 लेवल बिलो द लेवल ऑफ CEO। MBA, PGDCA, MCA कैंडिडेट वुड बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि आप देख सकते हैं टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बारे में भी उन्होंने थोड़ी डिटेल दी है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आप वैकेंसी देखें, मैनेजर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी थी उसके लिए एलिजिबिलिटी देखें आप इसमें, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन और सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 2 ईयर MBA, PGDBM फाइनेंस से होना चाहिए, कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, इन्हें आपको फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर सेकंड क्लास में आपका वो होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में 2 साल का आपका MBA और PGDBM इनमें से कोई भी आपका एक होगा तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें गाइस, मैनेजर की जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो वैकेंसी निकली है इसमें भी सेम जो है एलिजिबिलिटी है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर, और 2 साल का साथ में आपके पास MBA या PGDBM का कोर्स होना चाहिए। आगे देखिए, अब नोडल ऑफिसर की बात करते हैं, हम नोडल ऑफिसर में जो है आपके पास क्या मांगा है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन, सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी डिसिप्लिन विद 2 ईयर MBA या PGDBM फाइनेंस से जो है गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो गाइस, सेम तीनों की वैकेंसी जो लास्ट की 3 वैकेंसी उनकी सेम ही आपकी क्वालिफिकेशन है। गाइस, सैलरी देख लें, सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। चीफ एजुकेटेड ऑफिसर जो कि जनरल मैनेजर है उसकी सैलरी 1,10,438 रुपये पर मंथ, 1,10,438 रुपये पर मंथ है, और मैनेजर अकाउंटेंट, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और नोडल ऑफिसर जितनी भी इनकी सैलरी बनती है वो बनती है 78,488 रुपये का, 78,488 रुपये पर मंथ इनकी सैलरी होने वाली है। चीफ एजुकेटेड ऑफिसर की जो एज लिमिट आप देख लें, एज लिमिट जो है चीफ एजुकेटेड ऑफिसर की जो है 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए, 25 फरवरी 2022 को काउंट करेंगे। ओके, उस समय पर आपकी 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए, अठारह से 50 वर्ष के बीच में आपकी एज होना चाहिए। ओके, मैनेजर की देख लें, नोडल ऑफिसर की देख लें, इनकी जो एज है 18 से 35 वर्ष की होना चाहिए, जब 25 फरवरी 2022 को जब काउंट करेंगे तब। एज में रिलैक्सेशन देख लें, आयु में जो छूट है वो फीमेल STSC PH सर्विसमैन के लिए 5 साल की आपकी आयु में जो है छूट आपकी यहाँ पर मिलने वाली है। तो गाइस, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसकी आप देखें एप्लीकेशन फीस जो है आप देख लीजिए, जनरल OBC या EWS के लिए जो है 1200 रुपये प्लस GST है, SC ST या PH वालों के लिए जो है 900 रुपये प्लस GST है, और जो है पेमेंट जो है ऑनलाइन ही किया जाएगा, आपके फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप किए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस देख लें तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन रिटर्न एग्जाम। गाइस, जो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होने वाला है वो रिटर्न एग्जाम के थ्रू ही आपका होने वाला है। डेट देख लें गाइस, इंपॉर्टेंट डेट जो है, डेट ऑफ अप्लाई जो स्टार्ट होगा 25 जनवरी 2022 से गाइस आपके स्टार्ट हो चुके हैं,
और जो लास्ट डेट जो है 25 फरवरी 2022 तक आपकी लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है। लास्ट डेट पेमेंट की भी हो आपकी 25 फरवरी 2022 आपकी रहने वाली है। गाय किस प्रकार से अप्लाई करें, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट एंड एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट मे बी अप्लाइड थ्रॉट द ऑफिशियल वेबसाइट apexbank.in बीपुर 25 फरवरी 2022, यानी apexbank.in पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं 25 फरवरी 2022 से। तो गाइस इसका डिटेल नोटिफिकेशन साथ में अप्लाई करने की जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में ऐसी बहुत सारी वैकेंसी हम आपके लिए उसका नोटिफिकेशन लेके आते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद गाइस।